हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम नेटा नेट पेपर फर्स्ट के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फोर नंबर्स ए बी सी डी इज 100। इफ सी इज इक्वल टू 70 देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। क्वेश्चन में सिंपली कहा गया है कि हमारे पास में चार नंबर हैं ए बी सी डी और उनका जो मीन है वो है 100। यदि इन चार संख्याओं में से जो सी संख्या है उसका मान 70 हो तो बाकी के जो तीन संख्याएं हमारे पास में ए बी डी बचते हैं उनका मीन क्या होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मीन क्या होता है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय चार, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं चार और इनका मीन कितना दिया हुआ है 100। सो अब हमने इसको अगले स्टेज में थोड़ा सिंपल किया, जो ये चार है ये हम इधर लेके गए और इसकी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से गुणा की, तो क्या हमारे पास में मिला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 400। अब हमने इस इक्वेशन में सी का जो मान दिया हुआ है 70 वो पुट कर दिया, ए प्लस बी सी की जगह पे उसका मान यानी कि 70 प्लस डी इज इक्वल टू 400। अब हमने इसके मान को यहाँ से निकाल देते हैं सी के और केवल हमारे पास में तीन संख्याओं का मान बचेगा, ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 400 माइनस 70 कितना बचा 330। अब हमें मीन निकालना है ए प्लस बी प्लस डी का, तो जो ए प्लस बी प्लस डी का जो सम है वो है 330 और टोटल नंबर हैं 3, तो इनका मीन इनका एवरेज क्या हुआ 110। तो जो आपका ऑप्शन डी है 110 इस क्वेश्चन में वो आपका सही उत्तर है। थैंक यू। अगर आपके कोई सुझाव हैं हमारे लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।